हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे खांची कैसे बनाई जाती है। खांची डलिया या आप इसको डहेलिया भी कह सकते हैं। और ये हमारे कारीगर साहब हैं जो खांची बना रहे हैं, इसका बेस अभी तैयार कर रहे हैं ये। और बेस बनाने के बाद फिर ये खांची बनाएंगे भी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये टोटल 8 हैं, 8-8 का सेट बना करके ये टोटल 5 बनाएंगे, फिर 5-5 डबल बनाएंगे। अभी हम देखते हैं, पूरी वीडियो में आप पूरी वीडियो देखते रहिए कि फिर आप सीख भी जाएंगे खांची बनाना। देखिए कितना अच्छे तरीके से ये इसे सजा रहे हैं। इसको पेनी छानना भी बोलते हैं देसी भाषा में। देखिए कितने सुंदरता के साथ ये पेनी बना रहे हैं, उसका बेस बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3 सेट तैयार हो गया है और ये चौथा वाला सेट बना रहे हैं। ऐसे ही करके टोटल 5 सेट बनाएंगे। और ये कैसे कैसे करके बना रहे हैं ये देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चौथा सेट ये तैयार कर रहे हैं इस टाइम पर। अभी 4 सेट तैयार हो गया है और ये अभी 5वां सेट तैयार करने जा रहे हैं, 5वां यानी लास्ट सेट। देखिए कैसे लगा रहे हैं ये। मतलब एक के बाद, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये 5 सेट पूरा तैयार हो गया है। अब इसे ऐसे करना है। और ये देखिए इसको कैसे, किस तरह से ये सेट कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए कैसे फंसा रहे हैं ये 5 सेट को। ये हमारे जाने माने कारीगर साहब हैं जो खांची बनाने में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, मास्टर हैं। देखिए कैसे 5 सेट को तैयार किया इन्होंने, ये देख लीजिए। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट और 5 सेट। 5 सेट को ऐसे पहले फंसा लेंगे, फिर ऐसा एक और बनाएंगे। अच्छा, इसी टाइप का एक और बनाएंगे। अब इसी टाइप का एक और बनाएंगे, ऐसे सेम। हाँ, सेम ऐसा ही। अब इसको हटा देंगे ये, फिर अब दूसरा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, 2 सेट तैयार हो गया है। ये एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों को देखिए किस तरह से एक दूसरे पे ये सेट करेंगे। ये बेस है, खांचा बनाने से पहले का बेस है ये। इसको पेनी छानना भी बोलते हैं और बेस भी बोल सकते हैं। देखें,